Hello students, how are you? From today we are starting class 9th mathematics. ठीक है, class 9 mathematics. अभी class 9th जब हम पहुंच जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? We are in high school. ठीक है, high school मतलब आपको सारे basic concept जो हैं वो clear होना चाहिए, क्योंकि अब schooling का एक जो primary और middle वाला wing है वो आपका हो चुका है, जहाँ पे हमको बताया जाता है कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, और हम कर लेते हैं. ठीक है, बट वेन वी कम टू अ हायर सेकेंडरी, जब बोला गया ना हायर सेकेंडरी, मतलब हायर मतलब एक स्टेज हायर हो गया, तो आपको सबसे पहली बात तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अब से इस सेशन में मैंने क्लास 9th के वीडियो स्टार्ट किए हैं. सारे NCERT के क्वेश्चंस आपके सॉल्व रहेंगे, पूरा NCERT सॉल्व करेंगे, NTSC के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, चैप्टर वाइज हम करते चले जाएंगे, और सारे हायर, क्योंकि अभी से आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए वेदर यू वांट टू गो फॉर एन IIT और फॉर अ मेडिकल, या इंजीनियरिंग जाना है या मेडिकल जाना है. ठीक है, चाहे आप कहीं भी जाइए, वेदर यू गो फॉर एन इंजीनियरिंग और फॉर अ मेडिकल. IQ लेवल जो वर्ड एक आता है, IQ, वो क्या होता है? IQ मीन्स बेटा क्या होता है कि आपका ये कितना स्पीड से काम करता है, आपका ये सिक्स सेंस बोलते हैं, जिससे आप फटाक से किसी कॉन्सेप्ट को क्लिक करते हैं. ठीक है, वो हमको स्ट्रॉन्ग करना है, वो हमको बिल्डअप करना. फॉर दैट वी नीड एन एप्टीट्यूड्स. ओके, आई विल स्टार्ट अ क्लास फॉर एप्टीट्यूड्स ऑल्सो, गिव यू लेक्चर्स ऑन एप्टीट्यूड ऑल्सो, राइट, ताकि आपको सोचने की जो कैपेसिटी, क्योंकि 9th जैसे आ गए, हमारा आगे का टारगेट फिक्स होता है. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1, दैट इज नंबर सिस्टम. अब मैंने इतना बड़ा जो आपको लेक्चर दिया वो क्यों दिया है, पहले ये समझ लो. जो चीज़ हमने पढ़ा है, नंबर लाइन, ये क्या होता है भाई, नंबर सिस्टम, पहला वर्ड ही मैंने जो आज पढ़ाऊंगी वो चीज़ देखो, नंबर लाइन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, हमने सब पढ़ा है. क्या नहीं पढ़ा है भाई? रैशनल नंबर हम कब पढ़े? हम तो फ्रैक्शन पढ़ के आए हैं ना भाई. ठीक है, हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया है, हमको कौन सी होता है, 4, 5 में पढ़ लिया, फिर से क्यों पढ़ाया जा रहा है? एक सिस्टम, नंबर लाइन, क्या हमको नहीं पता नंबर लाइन क्या होता है? हमको सब पता है नंबर लाइन क्या होता है, बट अब एक सिस्टमैटिक, जितना आपने पढ़ा है स्कैटर्ड पढ़ा है, अब हम एक सिस्टमैटिक स्टडी चालू कर रहे हैं, जिसको हमको अच्छे से याद रखना है कि हम कैसे करें. ठीक है, जैसे कि नंबर लाइन, अब जब हमने पढ़ा था नंबर लाइन कैसे होता है भाई, हम बचपन से ही क्लास स्केल लेते हैं और लाइन ड्रॉ करते हैं, हमको पता है. ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसा एक 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे -2 होता है, यहाँ पे -3 होता है. किया हुआ है, ग्राफ बनाया है क्लास 7th-8th में, सारे ग्राफ्स बनाया है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक शायद नेगेटिव एक्सिस यूज़ नहीं किया है कहीं पे भी. डोंट थिंक सो यू हैव यूज नेगेटिव एक्सिस, यू ऑल हैव वर्कड ओनली ऑन द पॉजिटिव एक्सिस. ठीक है, मतलब हमको 0 से बचपन से बताया 3 तक का बनाइए या आगे जो भी बनाना है. ओके, इवन ग्राफ पेपर्स नहीं, ग्राफ में आपने यूज़ किया होगा जब आप इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो अब ये नंबर लाइन में ये चीज़ तो पढ़ा हुआ है, ये भी हमको पता है नंबर लाइन ऐसा होता है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं. दूसरा अब हमने क्या पता, ये लिखा मैंने नेचुरल नंबर, बचपन से पढ़ाते हैं, क्लास 1 में जाते तभी से बताते, लेकिन अभी भी अगर मैं पूछूंगी तो कई बच्चों को डाउट होगा नेचुरल नंबर और होल नंबर में, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है, बट हमको अब ये अराउंड याद रखना है कि नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होता है, होल नंबर कहाँ से चालू. द रीज़न इज दैट आपको क्वेश्चन अब ऐसे नहीं आएंगे, वैन यू गो फॉर अ कॉम्पिटिटिव आपको पूछा जाएगा नेचुरल नंबर के अंदर के ये चीज़ें लाइए, वैन यू आर नॉट फैमिलियर विद द वर्ड नेचुरल नंबर, हाउ यू विल राइट इट. ओके, तो नेचुरल नंबर यानी कहाँ से होता है भाई, नेचुरल नंबर के बारे में कोई बताएगा कि नेचुरल नंबर, आपका नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक जाता है? नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to infinity, ये आपका था 1, 2, 3 up to infinity. होल नंबर क्या है भाई, होल नंबर कहाँ से चालू होता है? 0, 1, 2, 3 and up to infinity. ठीक, पढ़ा हुआ है, कोई नया चीज़ मैंने नहीं बताया. ठीक है, ये नेचुरल नंबर ऑर्डर ऐसी होता है, ये नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा इंटीजर आ गया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया, दैट इज 0. नाउ व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर यानी खाली ये प्लस है, अगर आपका सेट में एलिमेंट्स जो रहेंगे माइनस इन्फिनिटी से -3, -2,
माइनस वन, ज़ीरो, वन, टू, थ्री अप टू इन्फिनिटी. मतलब ऑल द वेरिएबल्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग होल नंबर, देन इट कॉल्ड एन इंटीजर. देन इट इज़ कॉल्ड एन इंटीजर. मतलब आपका नेगेटिव एक्सिस भी रहेगा, आपका पॉजिटिव एक्सिस भी रहेगा इंक्लूडिंग ज़ीरो. तो इसे क्या कहते हैं अपन? इंटीजर. ठीक है. देन व्हाट इज रैशनल नंबर? ये भी हमारा पढ़ा हुआ है बेटा. रैशनल नंबर क्या होता है, किस तरीके का फॉर्म होता है? पी बाई क्यू. क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमें मालूम है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि जीरो किसी से क्यों डिवाइड नहीं करता है, ये हम जानते हैं. दूसरा, पी बाई क्यू में एक ही कॉमन फैक्टर होगा वन, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा. मतलब वन बाई टू इज अ रैशनल नंबर. ठीक है. वन बाई थ्री इज अ रैशनल नंबर. ठीक है. अगर आप देखते हो, मैं अगर बोल देती हूँ टू बाई फोर, टू बाई फोर भी रैशनल नंबर है, लेकिन इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? टू इंटू वन, टू इंटू टू. अगर आप दोनों में से टू कॉमन निकाल दोगे तो वन बाई टू, और ये टू टू कट गया, यानी क्या बन गया, ये देखिए आपका टू का ही फॉर्म है. इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा मैंने कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. जैसे वन बाई टू, वन बाई टू के कितने इक्विवेलेंट रैशनल? बहुत सारे बन सकते हैं, कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत ही बन सकते हैं. कैसे? वन बाई टू, टू बाई फोर, टू का मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, थ्री को मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा? थ्री सिक्स. फोर को मल्टीप्लाई कर दो, फोर एट. दिस आर ऑल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. लेकिन जो लीस्ट होगा वो क्या होता है? पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और पी और क्यू दोनों में है ओनली वन कॉमन फैक्टर, दैट इज वन. अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए वन. ठीक है. तो ये हमें याद रखना है. नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से एक बड़ा वैल्यू होता है. मतलब अगर मैं एक सेट बनाऊँ, सबसे छोटा क्या हो गया मेरा? नेचुरल नंबर. उससे बड़ा क्या हो गया मेरा? होल नंबर, क्योंकि इसमें एक ज़ीरो एक्स्ट्रा एलिमेंट है. ठीक है. फिर आ गया मेरा, उससे बड़ा क्या हो गया देखो? इंटीजर, क्योंकि उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. अब रैशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? जब मैं इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करती हूँ तो ज़रूरी है कि ये दोनों के बीच में भी तो वैल्यू आ सकती है, और ये दोनों के बीच की वैल्यू ऑब्वियसली फ्रैक्शन में रहेगी, रहेगी ना. तो इसलिए आ गया हमारे रैशनल नंबर, यानी इस इंटीजर से भी बड़ा क्या हो जाएगा मेरा? रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज वन और टू के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ सकते हैं. ठीक है. ये नहीं है कोई भी माइनस टू माइनस थ्री के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगी कि वन से टू के बीच में हंड्रेड टर्म्स निकालिए, टू हंड्रेड टर्म्स निकालिए. बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है. ठीक है. तो इतने सारे इनके बीच में आ सकते हैं, मतलब वो और बड़ा हो गया. इट मीन्स रैशनल नंबर इज द बिगेस्ट अमंग दिस. तो इसमें सबसे कम एलिमेंट रहेंगे, उससे बड़ा इसमें, उससे ज़्यादा इसमें. इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो? नेचुरल नंबर इज स्मॉलर देन होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर, उससे बड़ा रैशनल नंबर्स. क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ में किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए. यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. ठीक है. अगर बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि आप लोग नए स्टूडेंट्स हो, मैंने एक हायर क्लासेस पढ़ाया हुआ है, छोटे बच्चों की बहुत रिकमेंडेशंस आई थी तो मैंने स्टार्ट किया क्लास नाइन्थ की क्लासेस. ओके. तो आप लोग नए हो तो पहले तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो मेरा. छोटे बच्चे हो, आप लोगों से नहीं होता होगा तो पेरेंट्स को बोल दीजिएगा. मेरे यूट्यूब चैनल में ही, वहीं पे नीचे में उसी चैनल में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है. ठीक है. कोई भी डाउट्स होता है तो आप क्या करेंगे उस टेलीग्राम ग्रुप में? क्या करना है बेटा? अपने डाउट्स भेजने कि मैडम ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं बन रहा है, फलाना क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मान आर एस अग्रवाल का नहीं बन रहा है, मेरे से आर डी शर्मा का क्वेश्चन नहीं बन रहा है. ऐसा कोई नहीं है. और भी जितने बुक्स हैं आपके फॉर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस के आते हैं, कई बच्चे अभी से ज्वाइन कर लेते हैं आकाश एलेन है ना, उसके शॉर्ट कोर्सेज अगर नहीं बन रहे हैं. ठीक है. जो भी डाउट है, कहीं से भी कोई डाउट है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप में जाइए. ठीक है. उसको ज्वाइन कर लीजिए और
जो भी डाउट होता है उसमें आप आराम से डाउट्स लिख के, नहीं है फ़ोटो खींच लो, लिखना नहीं आ रहा है क्योंकि मैथमेटिकल टर्म्स लिखने नहीं आएंगे, फ़ोटो खींच के डाल दीजिए, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई एम अवेलेबल 24 आवर्स देयर, ओके। तो कोई ऐसे हड़बड़ाने की बात नहीं है, हम बड़े आराम से पढ़ेंगे, और कोई भी डाउट होता है तो आप उसमें तुरंत मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। जैसे ही आप लोगों की डिमांड बढ़ेगी मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूँगी। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो वन शॉट का हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे ज्वाइन कर सकेंगे और हम उसमें सारे आपके डाउट्स भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी अपन नया ये कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं हुआ होगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल एंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ओके, ठीक है। चलिए अब हम आगे करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है, मैं बार बार आप लोग जाके आराम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो मेरा, ठीक है। और ठीक है, और जो भी डाउट है, लिख नहीं पा रहे हो, फोटो खींच के भेज दो, नेक्स्ट डे मैं अगर उसमें सॉल्यूशन दे देती हूँ। अगर नहीं समझ में आता है तो अपन क्या कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे भाई, अपन क्लास में आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। डेली डेली अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। तो इतना तो अब हमने कर लिया, अब देखते हैं इसके आगे काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको जो नंबर लाइन में पी बाई क्यू है, ठीक है, कोई दो पी बाई क्यू के बीच में आपको 5 इक्वल इंटरवल्स निकालने को बोल देगा, 6 इक्वल इंटरवल्स निकालने को बोल देगा, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया है आपका, कि मैं कह देती हूँ फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 6, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 6, ठीक। अब अभी मैं पहले तो बोल देती हूँ चलो फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन दिस, ठीक है, एक ना, चलो अभी पहले एक से चालू करते हैं। रैशनल नंबर बहुत आसान है, इनके बीच का है, मतलब अगर मैं नंबर लाइन में देखती हूँ, अगर मैं नंबर लाइन से बना रही हूँ, ठीक है, तो 0, ये आ गया -1, ये हो गया मेरा -2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गई 5, और ये हो गया मेरा 6, हो गया। अब तो इसने एक बोला है तो कोई सा भी बना दो, क्योंकि ये तो ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई सा भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा, ठीक है। लेकिन इसी में अगर मैं बोल दूँगी मिड वैल्यू बताओ, इन दोनों के बीच का मिड वैल्यू बताओ, तब हमको क्या करना पड़ेगा, कभी भी ऐसा आता है तो फर्स्ट टर्म मतलब एक्स एंड सेकेंड टर्म वाई, तो उसको सॉल्व करने का क्या रहता है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। हमने तो मीन पढ़ा है शायद क्लास 8 में, ठीक है, मीन निकालते क्या, दो वैल्यू का मिड वैल्यू, यानी इसका मिड वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, -2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या आ गया, 4/2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो एक नंबर मुझे मिल गया भाई, ये दोनों के बीच का एक वैल्यू, अगर मैं बोलती हूँ मिड वैल्यू निकालो। वैसे तो इसके सारे इतने सारे हैं इसमें नंबर्स, और अगर रैशनल में आ जाऊँ बाई बाई करके तो और बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं मिड बोलती हूँ तो आ गया 2, ठीक। यानी अब नंबर लाइन में मैं हटा देती हूँ बाकी को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमको कौन सा नंबर मिल गया, 2 मिल गया इनका मिड वैल्यू। मान लो मैं बोलूँगी 3 नंबर डालो, बहुत आसान है, नया कुछ नहीं बता रही हूँ ना, एकदम इजीली समझा रही हूँ। 3 वैल्यूज़ बताओ इन दोनों के बीच में, पहले क्या निकाला, ये दो के बीच में 1 तो मिल गया भाई मेरे को, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाती हूँ, ये दोनों के बीच में क्या आ गया भाई, -2 + 2/2, कितना आ गया भाई, 0/2, यस 0 एक और वैल्यू मिल गई। दूसरा 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 8/2 विच इज इक्वल टू 4, राइट 4 आ गए 3 टर्म्स बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 बोलूँगी और कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों के बीच में एक ले लो, इन दोनों के बीच में एक ले लो, इन दोनों के बीच में एक ले लो, इन दोनों के बीच में, ऐसे आप 10 के लिए भी निकाल सकते हो, 15 टर्म्स निकाल सकते हो, बस क्या करते जाना है, डिवाइड करते जाना है, कोई भी दो टर्म को लेना है, डिवाइडेड बाई 2 करते चले जाओ, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई और आया यहाँ पे, कितना आ गया, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 6/2 विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, ले लो भाई 3 आ गया। और एक्स्ट्रा टर्म बोलती हूँ, 5 बनाओ, 10 बजाओ, 15 बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं, ये ले लो
टू और थ्री के बीच में एक नंबर उठा लो, कितना आएगा? टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू, कितना आ गया? फाइव बाई टू. यस, इट्स लाइंग बिटवीन फाइव बाई टू. ठीक है, थ्री और फोर के बीच में बताओ, थ्री प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू, कितना आ गया? सेवन बाई टू. लो भाई, इसके बीच में आ गया सेवन बाई टू. कैलकुलेटर लेके देख लो, फाइव डिवाइडेड बाई टू कितना आता है? टू पॉइंट फाइव. तो इन दोनों के बीच की वैल्यू है. पॉइंट में भी डेसिमल्स में नहीं जाना है, एक रफ बता रही हूँ चेक करने के लिए. इन दोनों के बीच सेवन बाई टू कितना आता है? थ्री पॉइंट समथिंग. इसी के बीच में ला रही है वैल्यू. क्लियर है? तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को निकाल सकते हैं. अरे भाई, मेरा डस्टर कहाँ गया? चलो ठीक है, है ना. इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी. क्लियर है? तो ये तो ईजी क्वेश्चन थे, माइनस टू ऑफ. अब यही टू बाई थ्री, सिक्स बाई फाइव दे दूँ तब, ऐसे टर्म्स है तब क्या करेंगे भाई? तब के लिए देखते हैं. ठीक है, तब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब हम क्या करेंगे भाई? ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे भाई, आप लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, नहीं तो डर जाओगे कि अरे बाप रे एक दिन में मैडम ने कितना पढ़ा दिया. ठीक है, आज बस यही बता देते हैं. बीच की वैल्यूज निकालनी है तो कैसे करोगे? ठीक, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया मैंने माइनस थ्री बाय थर्टीन और नाइन बाय थर्टीन. ठीक, इसके बीच में हंड्रेड टर्म वेरिएबल्स निकालो, हंड्रेड टर्म्स बताओ, हंड्रेड रैशनल नंबर्स निकालो, तब क्या करेंगे? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल, क्या कर लो? इंटू इंटू टेन कर लो, इंटू टेन इंटू टेन, कितना हो गया ये? माइनस थर्टी बाई वन थर्टी, ये हो गया नाइन्टी बाई वन थर्टी. ठीक है, माइनस थर्टी से लेके 90 तक कितने टर्म्स अगर नंबर लाइन में ड्रॉ करो, 100 से तो ज़्यादा ही हो जाएंगे ना, होंगे कि नहीं? ये लो नंबर लाइन तुम्हारा, ये माइनस थर्टी, ये 90, यहाँ कहीं पे जीरो, जीरो से इधर तक कितना आ गया? माइनस थर्टी, मतलब 30 इधर हो गए. और इधर 100 चाहिए तो कितना चाहिए? 70. 90 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा हमको, 70 तक में ही मुझे मिल गए कि नहीं? अब क्या करो? 300 डिवाइडेड बाय 130, 900 डिवाइडेड बाय 130. ठीक है, इस पूरे टर्म को, मतलब मेरे को क्या कर लेना है, यहाँ से देखो, माइनस 30, माइनस 29, माइनस 28, सो ऑन, 0, 1, अप टू 70. ऐसा ही होता है, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, यही होता है. सबको डिवाइडेड बाई क्या कर दो? 130. ये हो गया 130, ये हो गया 130, ये हो गया 130, ये हो गया 130, ये हो गया तुम्हारा 130, हो गया. ठीक है, तो ये सारे नंबर्स कहाँ पे आ गए? इतने सारे नंबर्स आपके आ रहे हैं, 100 नंबर्स इन बिटवीन, किसके किसके बीच में बताया भाई? 3 बाई थर्टीन माइनस 3 बाई थर्टीन टू 9 बाई थर्टीन. बहुत आसान है, कभी क्वेश्चन देख के डरना है. एक तो पहली चीज़ बता रही हूँ, मैथ्स फोबिया हटा दो. मेरे साथ रहोगे मैथ्स से डर नहीं लगेगा, मैथ्स गेम लगेगा बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप लोग क्या क्या खेलते हो गेम? कैंडी क्रश, अब तो पुराना हो गया. और क्या खेलते हो? अरे वो तुम्हारा आजकल पबजी था, आजकल शायद वो भी पुराना हो गया. आजकल एक कुछ गन वाला खेलते हो, है ना, वो आ गया आजकल बहुत सारे. ठीक है, तो बिल्कुल उसी की तरह लगेगा मैथ्स को भी, आप उसी गेम की तरह इंजॉय करोगे. ठीक है, बस आराम से इसको देखो और बनाओ, कोई टेंशन लेने का नहीं. आराम से मैं इन फन में पढ़ाऊंगी आपको मैथ्स, आपको कभी ये याद नहीं करना पड़ेगा ये कैसे आया. वो मेरे साथ नहीं है, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई चीज़, बिल्कुल यहाँ पे रहेगा, देखते यूँ 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 बनेगा. ठीक है, देखो अभी बता दिया ऐसे. चलो एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, कोई और एक क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन बताओ भाई कहाँ गया. चलो ठीक, एक और क्वेश्चन उठाते हैं. ठीक है, ले लेते हैं भाई. चलो क्या ले लें भाई? हाँ, माइनस 3/11 एंड 8/11, इसके बीच में 10 रैशनल नंबर निकालना है, 10 निकालना है. चलो पहले लिख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक आ रहा है. कुछ नहीं करना है, माइनस 3 से बड़ा, माइनस 2 से बड़ा, माइनस 1 से बड़ा, 0 उससे बड़ा, 1 उससे बड़ा, 2 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा, 4 5 6 7 8, कितने टर्म्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे तो 12 पहुँच गए, 12 पहुँच गए. अब इसमें से कोई सा भी ले लो,
कोई सा भी 10 लिख लो, होल को डिवाइडेड बाय क्या कर लो, किससे डिवाइड करोगे, 11 से, क्योंकि मेरे को बाय 11 चाहिए, ठीक है। पिछले बार मेरे को नहीं पता था तो मैंने 10 कर दिया, ज़्यादा बड़ा नंबर चाहिए, तभी इसी के बीच में अगर मैं बोलूँ 100 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, तभी तो 1100 आएगा, तब तो वैल्यू बड़ी हो गई ना, होगी कि नहीं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मेरे को तो 10 ही चाहिए, तो 10 ही चाहिए तो क्या कर लो, इसको कर लो 11 से डिवाइड, ये लो 11, ये लो 11 भाई, बढ़िया है ना, ये 11, ऐसे करते करते सभी का 11 आ गया। अब इसमें से कितने सारे हैं तुम्हारे, 12 हैं, कोई भी 10 लिख लो, कोई सा भी 10 लिख लो। अभी इसी को मैं 100 बोल दूँ तो क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे इंटू 10/10 कर लो, क्योंकि अभी मैंने बताया ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बताया ना, इसीलिए बताया था इक्विवेलेंट आपका रैशनल नंबर, अपॉन क्या आ गया 10/10 कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाता है ये -30/110 और 80/110, आराम से 100 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, यहाँ पे आते हैं आराम से 100 वेरिएबल्स आ जाते, फिर हो जाता, ठीक है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना है, फर्स्ट डे है, डर जाओगे नहीं तो, क्या क्या पढ़ा दिया मैडम ने, ठीक है। पहले इतने को रिवाइज कर लो, बहुत आराम से समझ लो, ये सारे चीज याद रखने के हैं, रटने के नहीं हैं। मैथ्स को कभी मत रख दियो, इन्जॉय करिए, फन के साथ इन्जॉय करो, मेरे साथ रहिए, आपको हमेशा मजा मैथ्स फन लगेगा, इसलिए मेरा स्लोगन है मैथ्स इज अ फन, इन्जॉय इट, राइट। तो इन्जॉय करके खेलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना, छोटे छोटे बच्चे हो, 9th आए हो, अभी हाई स्कूल में पहुँचे हो, बहुत सारे सपने हैं, उस सपनों को हमको साकार करना है, साकार करने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई, है ना। तो मेहनत करना क्या है कि हमको सारी चीज़ों को फनली इन्जॉय करना है, लाइफ को, मैथ्स को एक अच्छा एंटरटेनमेंट गेम की तरह इन्जॉय करके आगे बढ़ना है। तो आज का टॉपिक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डाउट्स को जो भी है मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और क्या करो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, डाउट्स उसमें डालते जाओ, हम आपको नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट्स के सॉल्यूशंस देते जाएंगे, ठीक है। लेकिन रोज़ पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं कि आज पढ़े कल छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। रोज़ थोड़ा इन्जॉय करेंगे, फन करेंगे, गेम करेंगे तो अपने आप ये चीज़ आ जाएगी, ओके। सो हैव अ नाइस डे, इन्जॉय इट, ओके, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।